हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम इनकम टैक्स के अंदर अपनी इनकम पर किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हमारा इनकम पर टैक्स बनता है तो हम उस टैक्स पर किस प्रकार से ATC के अंदर रिबेट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करना है, और ATC के मैं आपको चार ऐसे खर्चे बताऊँगा जो कि आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, आप एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर, आप मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 6 लाख रुपए की इनकम अर्न की। अब इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको देना है 5% का टैक्स, और यदि 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो आपको उस पर 20% का टैक्स देना है। अब आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, तो 2.5 लाख तक तो निल है। अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक यानी कि 5% के हिसाब से टैक्स बना। अब 5 लाख से 6 लाख यानी कि 1 लाख रुपए पर आपको 20% के हिसाब से आपका 20,000 रुपये टैक्स बना। दोस्तों ये था हमारा इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब हम जान लेते हैं कि इस टैक्स से किस प्रकार से हम बच सकते हैं। ATC के चार खर्चों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके जरिए आप अपने टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों पहला जो आपका खर्चा है ATC के अंदर, बच्चों की ट्यूशन फीस। आपके बच्चे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान में पढ़ते हैं तो आप एक साल के अंदर उनकी जितनी भी ट्यूशन फीस जमा करते हैं वो सारी आपको ATC के अंदर रिबेट मिल सकती है। दूसरा होम लोन, यदि आप अपने घर को बनाने के लिए कोई होम लोन लेते हैं तो आप उस होम लोन पर भी ATC के अंदर रिबेट ले सकते हैं। होम लोन जब भी आप लेते हैं तो आपको मासिक इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना होता है, तो वो जो मासिक इंस्टॉलमेंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आप एक साल के अंदर जितना भी जमा करते हैं वो सारा हम ATC के अंदर रिबेट ले सकते हैं। तीसरा, यदि हम कोई मकान बनाते समय उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं अथवा कोई लीगली डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं, उसके स्टैम्प ड्यूटी, वकील की फीस इत्यादि, ये सभी खर्चे हमारे ATC के अंदर रिबेट में ले सकते हैं। मकान से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे आपके ATC के अंदर आपको उनकी रिबेट मिलेगी। चौथा, सुकन्या योजना। सुकन्या योजना बहुत अच्छा निवेश है, ये आप अपनी बच्ची के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं तो इसमें आप एक साल के अंदर जितने भी रुपए जमा करवाते हैं वो भी आपको ATC के अंदर रिबेट में ले सकते हैं। सुकन्या योजना के अंदर आपको 1,50,000 रुपये तक जमा करवाने की छूट है, आप 1,50,000 रुपये तक में जमा करवा सकते हैं। तो सुकन्या योजना के अंदर भी अगर आपने निवेश किया हुआ है तो वो सारा पैसा आपको ATC के अंदर रिबेट में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे चार खर्चे जिनके जरिए आप इनकम टैक्स में ATC सेक्शन के अंदर रिबेट लेकर टैक्स से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में और भी बहुत सी जानकारी देता रहूँगा, आप मेरे चैनल के साथ में बने रहें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।